कहने का जो मकसद है, आपका हर अमल अल्लाह के खाते जब बन जाएगा तो आपका ईमान उस वक्त कामिल हो जाएगा। मोहतरम हाजरीन इकराम, अब रमजान मुबारक का महीना तो चला गया, क्या ईमान वालों को नमाजों से, रोजों से, नाफिल फराइज सुन्नत और नाफिल अज़कार से क्या फुर्सत मिल गई? नहीं नहीं, बल्कि रमजान ने हमें यह फरमान दिया है कि ईमान वाले तो रमजान की इबादत नहीं करता, तो रोजे की इबादत, तरावी की इबादत नहीं करता, बल्कि तो ऐसे जात की इबादत करता है जो खुद से कायम और सारी कायनात को कायम करने वाली जात मुबारक है। आदर इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाती है, कुरान मजीद में हक तआला का इरशाद होता है कि ऐ लोगों, तुम सब पहले मुर्दा थे, फअहयाकुम, मैंने तुमको जिंदा किया, थुम्मा युमीतुकुम, तुम सबको फिर मार दूंगा, थुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करूंगा, थुम्मा इलैहि तुरजऊन, तुम सबको उसी की तरफ लौट कर आना है। हाजिर इकराम, हम ऐसे रब की इबादत करते हैं कि वो जो रब वो अपनी शान में खुद इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में कि जो लोग रिस्क के मामले में परेशान फिरते रहते हैं उन लोगों को ये सुन लेना चाहिए कि हमारा रब ये इरशाद फरमाता है कि वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब किताब के इस खता कर दे। हमने बुलंद दर्जे वाला ईमान वाला वो नहीं जिसके पास दौलत मौजूद है, हमने से दर्जात बुलंद होने वाला इंसान हरगिज वो नहीं जिसके पास बिल्डिंगे, बैंक बैलेंस जो तिजोरियों में बंद करके माल को रखता है, जिसके पास माल ज्यादा होता है, जिसके पास घरे बिल्डिंगे ज्यादा होती है। याद रखे, ये शख्स कभी भी दर्जा बुलंद होने वाला नहीं। हाँ, अल्लाह जिसे चाहे उसे रिस्क अदा कर दे। मुहतरम हाजरीन इकराम, मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अगर कोई आला मुकाम रखने वाला इंसान है तो वो इंसान कौन है? हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने वक्त के बड़े बुजुर्ग गुजरे। आप की ये रिवायत हजरत अबू अब्दुल्लाह शाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुआज़े हसना में